हेलो जी, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। वाइट कबली चना को हम रात भर भिगोएंगे उसमें, और फिर हम खड़े मसाले उसमें डाल के और पानी डाल के उसकी सीटी लगा लेंगे। और अब हम एक कुकर को रखेंगे गैस पे, उसमें ऑयल डालेंगे, खड़े मसाले डालेंगे और अब उसमें डालेंगे हम प्याज। प्याज को अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, फिर उसमें हम पिसे हुए मसाले डाल देंगे जिसमें हमने पिसा था अदरक लहसुन ये सब कुछ खड़े मसाले। और अब हम सब भून के हल्दी डाल के और अच्छे से भुनेंगे, फिर उसमें हम टमाटर डालेंगे, टमाटर को सॉफ्ट होने तक भुनेंगे, फिर उसमें नमक डाल देंगे अच्छे से। और अब हम उसमें चने डालेंगे जब हमारे मसाले पक जाएंगे, और अब हम चने डाल के अच्छे तरीके से चलाते हुए पकाएंगे। ये देखिए जिस तरीके से मैं चलाते हुए पका रही हूँ वैसे ही आपको पकाना है। उसे गैस को हम रखेंगे मीडियम आंच पे और 10 मिनट तक पकाएंगे, फिर उसको हम देखेंगे पक गया है तो उसमें हम पानी डालेंगे, वही पानी जो हमने बॉईल करते वक्त डाला था। उस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, उसे रखेंगे और अब उसको डालेंगे, उसमें गरम मसाला ऐड करेंगे और अच्छे से चला के मसाले को हम मिला देंगे। ये देखिए, और थोड़ा सा बॉईल आने दीजिए, फिर इसमें हम डालेंगे कटी हुई धनिया। अगर आपके पास कटी हुई धनिया है अच्छे से उसे काट के हम इसमें डाल देंगे। और अब हम इसे सीटी लगा लेंगे, पकने तक हमें अच्छे से सीटी लगानी है वाइट चने को पकाने के लिए। और अब हम तैयार करेंगे कटोरी के लिए डो। सबसे पहले मैदा लेंगे 2 कप, और उसमें हम अजवाइन मंगरेल डालेंगे, हल्का सा नमक डालेंगे और 2 चम्मच ऑयल डालेंगे, और इसे अच्छे से मिलाते हुए हम इसका डो तैयार करेंगे। ऑयल डाल के इसे अच्छे से मिलाएंगे क्योंकि इसमें कोई गांठ ना रह जाए, अच्छे तरीके से मिलाएंगे। ये देखिए जिस तरीके से मैं मिला रही हूँ वैसे ही आपको मिलाना है, अच्छे से मिलाते हुए। और अब हम उसमें पानी डाल देंगे, और पानी डाल के हम इसका एक डो, सॉफ्ट वाला डो तैयार करेंगे जो कि सॉफ्ट भी हो और अच्छा हो। ये देखिए हम उसमें पानी डाल के सॉफ्ट डो तैयार कर लिए हैं, इसे हम साइड रखेंगे। अब इसका गोला बना के अच्छे से पूड़ी बना देंगे, और इसे कटोरी पे पहले हम तेल लगाएंगे, और अब उसमें हम चिपका देंगे अपना ये रोटी जो कि हम बनाए थे, और इसे चिपका के हम इसको डाल देंगे ऑयल में। और देखिए जिस तरीके से मैं पका रही हूँ वैसे ही आपको पकाना है, ध्यान रखिएगा कि ऑयल का छींटा आप पे ना पड़े अच्छे तरीके से। और अब हम कटोरी को निकाल लेंगे और अपनी पूड़ी को अच्छे तरीके से पकाएंगे। ये देखिए हमारा कटोरी एकदम कुरकुरा सा तैयार हो गया, उसमें हम चाट डालेंगे, फिर हम उसमें डालेंगे दही। दही आपको जितना पसंद हो उतना आप डालें खट्टेपन के लिए, और उसमें इमली की चटनी डालें, और उसमें कटी हुई प्याज डालें, अच्छे से कटे हुए प्याज को डालें, फिर भुना हुआ मसाला जीरा वाला और जीरा और ये सब जो होता है वो डालें, फिर उससे हल्का सा हम नमकीन डालेंगे हल्दीराम भुजिया वाला। आपको कटोरी चाट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक